हाईवे पर डीजल चोरी करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश, चार लोग हुए गिरफ्तार। खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना के आधार पर हंडिया पुलिस द्वारा टैंकों से डीजल चोरी करने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी की एक स्कॉर्पियो कार के अलावा 35 लीटर डीजल के 3 गैलन, चोरी के उपकरण एक चापर और 315 बोर का एक कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी प्रोटोकॉल रविशंकर निम ने बताया कि ये लोग घुमंतु प्रवृत्ति के हैं और घूम घूम कर हाईवे के किनारे खड़े उन ट्रकों को निशाना बनाते हैं जिनके ड्राइवर या तो किसी काम से ट्रक से दूर गए होते हैं या फिर सो रहे होते हैं। चोरी की डीजल ये औने पौने दाम में बेच देते हैं और जितनी जरूरत हो उतना अपने पास भी रख लेते हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर मध्य प्रदेश में कई अपराध दर्ज हैं, जिसकी जानकारी मिली है। इसके अलावा प्रयागराज, आसपास के जिलों में इन्होंने कहां कहां अपराध किए हैं, इस विषय पर भी जानकारी हासिल की जा रही है और अभी इनसे पूछताछ करनी बाकी है। साथ ही यह भी पता करना है कि और कोई गंभीर अपराध के प्रयास किसी अन्य जनपद में तो इन लोगों ने नहीं किया है। गैंग के लोग गाड़ी से तेल चोरी किया करते थे, कितने लोग हैं और ये गैंग में कितने लोग अब तक फरार हैं, कितने पकड़े गए? ये एक अपने आप में एक अनोखा ग्रोह है, जो कि हाईवे पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां जो होती थी, बड़े जैसे ट्रक हो गए, सुनसान रास्ते पे या ऐसी जगहों पर जहाँ पर ड्राइवर किनारे गाड़ी खड़ी करके रेस्ट करता रहता था, तो ऐसे ट्रकों को आइसोलेट कर लेते थे लोग, उसको टारगेट कर लेते थे और उस ट्रक की जो खड़े ट्रक होता था, जिस इनको विश्वास हो जाता कि ड्राइवर सो गया है, क्लीनर उसको सो गया, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा उनको, तो ऐसे में धीरे से जाके अपनी गाड़ी खड़ी करके ये लोग वो उसकी ट्रक जो उसकी पेट्रोल टैंक होता था या डीजल टैंक होता था, उसकी टंकी का ताला तोड़ के और साइफन करके इससे ये डीजल जो है चोरी करके छोटे छोटे जो प्लास्टिक के कंटेनर होता है उसमें भर लेते थे और फिर जहाँ पर भी उनको सुविधाजनक जैसा भी होता, जब उन्होंने अपनी पूरी गाड़ी में सारा स्टोरेज कर लिया कई जगहों से, इसको सुविधा अनुसार ये बेच देते थे। जहाँ से ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया इस जो गाड़ी जो चोरी की पकड़ी गई, जो संदिग्ध पकड़ी गई, इसके 2 RC है, जिससे सिद्ध होता है कि गाड़ी अपने आप में संदिग्ध है और इन सभी लोगों की अच्छी खासी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अभी तक इतना ही हम लोग के उसमें आया, शेष बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। कितने लोग पकड़े गए, इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? अभी तक 4 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से सबके पास से मोबाइल पकड़े गए हैं, एक के पास चापर पकड़ा गया है, कट्टा पकड़ा गया है और खोलने के उसके सारे औजार पकड़े गए। गैंग और लोग की सदस्य पूछताछ जारी है, जैसे भी और लोग जो चोर हैं या डीजल ही चोरी करते थे, बेसिकली ये डीजल चोर का एक गैंग है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन या उसके आसपास के जिलों से ही ये लोग चले हैं अपनी गाड़ियों का। और दूसरे राज्यों में भी करते थे? अभी तक की जांच में इन्होंने ये बताया कि इसके अलावा ये लोग रास्ते में जो भी इनको इजिली टारगेट अवेलेबल हो जाता था, जहाँ पे भी जिस रास्ते में इनको ये गाड़ियाँ खड़ी मिल जाती थी और इनको लगता था गाड़ी में अब बिल्कुल सेफ हो गया, ड्राइवर हमारा उतर नहीं सकता, कंडक्टर सो रहा है, तो ऐसी गाड़ियों को टारगेट कर रहे थे। डिस्टेंस डीजल ही चोरी कर रहे थे, बैटरी भी चोरी कर रहे थे। प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।